हेलो रोहन, आप सभी का स्वागत है फिर से इस YouTube चैनल के एक नए वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक अमेजिंग सा मटेरियल जो बेसिकली आपकी हेल्प कर सकता है आपके घर के अंदर जो हीट है उसको कंट्रोल करने के लिए। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो सर्दी आने वाली, बट गर्मी नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा टाइम के लिए पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने इस मटेरियल के बारे में जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बहुत ही अफोर्डेबल वे में आप अपने घर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा कि रिसेंटली लास्ट 6 मंथ्स में जब गर्मियाँ थी तो लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आए थे, और कॉमर्शियल के अंदर जब वर्क होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मटेरियल कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल के लिए काफ़ी अच्छा है। तो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ मटेरियल के बारे में है, जो मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, और इसका नाम बड़ा सा है, रिफ्लेक्टिव एयर फॉइल एयर बबल इंसुलेशन शीट। सो रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम फॉइल एयर बबल शीट, मैं इसको इन शॉर्ट बबल शीट प्रोनाउंस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये एक्चुअली ऐसे दिखती है। तो मेरे पास दो सैंपल है, तो अगर आप मैं इसको थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ तो ये दोनों साइड में इसका एल्यूमिनियम फॉइल है और इसके बीच में बबल शीट है। तो बबल शीट आप सब लोगों ने देखी होगी, जब भी हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कोई भी ऐसा सेंसिटिव आइटम पैक होकर आता है तो बबल शीट में आता है और हम लोग फिर उसको हाथों से फोड़ते हैं और तो काफ़ी मज़ा आता है। तो उसी को यूज़ करके इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट बनाया है, और ये काफ़ी नया है, और इसके अंदर एयर होती है और इसको फुली सील किया जाता है, तो इस एयर की वजह से ही एक्चुअली टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो इसमें मल्टीपल वेरिएंट आते हैं, तो करीबन 8 mm, 12 mm, 6 mm, 20 mm तक आता है, डिपेंड करता है कि आप यूज़ क्या करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो एक्चुअली कॉमर्शियल के अंदर है। अगर आप कोई बड़ी सी फैक्ट्री डाल रहे हैं और जहाँ पे आप टिन शेड डाल रहे हैं स्टील का, मेटल का, तो उसके नीचे आप इसको लगा सकते हैं। मैं एक फोटो में भी दिखा रहा हूँ आपको इन्होंने कैसे पूरा सीलिंग से लेके साइड वॉल्स को कवर किया है इस शीट को लेके। तो ये जो कंपनी इस शीट को बनाती है, या बहुत सारी कंपनियां जो इस टाइप की शीट बनाती है, वो दावा करती है कि अराउंड आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है अंदर की तरफ, वो इट कैन गोज टू 4 to 6 degrees Celsius, विच इज रियली गुड अगर आप एक्सट्रीम हीट के अंदर काम कर रहे हैं। तो सेकेंड, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 97% जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, और सबसे अच्छी बात है बहुत चीप है। तो अगर प्राइस की बात करूँ इसकी तो 9 से 10 रुपये स्क्वायर फिट बहुत सस्ता है पड़ता है, और इसका अगर लेबर जाएं तो अगर आप शेड के साथ उसको फैक्ट्री वाले को जो कॉन्ट्रेक्टर है उसको अगर कॉन्टैक्ट देंगे तो मुझे लगता है 5-6 रुपीज़ एक्स्ट्रा और लगेगा इसको लगाने का, क्योंकि इसको डायरेक्ट शीट के नीचे लगा देते हैं। अभी कितने क्वांटिटी में आता है, तो इसका रोल आता है पूरा सा, तो जो एक रोल आता है वो करीबन 4 फिट बाय 120 फिट का आता है, तो काफ़ी बड़ा रोल आ जाता है इसका, आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो डिपेंड कर सकता है एप्लीकेशन का ले रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट शेड के नीचे लगा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थिकनेस लें, क्योंकि शेड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर आपने घर बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे घर के अंदर भी लगाना है, तो ज़रूरी आपको नीचे फर्स्ट फ्लोर पर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर फ्लोर बन रखा हो तो आप टॉप फ्लोर पर, जहाँ पर डायरेक्ट धूप आती है और उस धूप की वजह से वो रूफ गर्म हो जाती है, तो आप यूजुअली लोग उसमें RCC के बाद में POP की सीलिंग करवाते हैं, जिप्सम सीलिंग करवाते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आपके 10 बाय 10 का रूम है तो आपके लिए मुश्किल से 1500 से 2000 रुपये का खर्चा होगा, बिकॉज ये सीलिंग पे लग के इसमें डायरेक्ट ड्रिल हो जाता है। तो आप इसको लगा सकते हैं, आपने RCC का वर्क किया, इसको आप ड्रिल कर दें, उसके बाद में आप फॉल सीलिंग करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है। मेरे पास का कैटलॉग पड़ा है तो मैं जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, इसका पानी पे कोई असर नहीं होता, बिकॉज कम्प्लीटली प्लास्टिक इन एल्यूमिनियम, तो इट्स वाटर प्रूफ कम्प्लीटली, इट्स वेरी लाइट वेटेड, तो ऐसा नहीं कि अगर आप लगाएंगे तो कोई हैवी वेट बढ़ जाएगा। और इसका एप्लीकेशन जस्ट सीलिंग पे नहीं है, आप इसको और भी जगह यूज ले सकते हैं। आप इसको बनाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पैकेजिंग में जा सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा आइटम बनाते हैं, लेट्स आपको चॉकलेट पैक करके भेजनी है कहीं पे और आपको लगता है कि यार मेल्ट नहीं होनी चाहिए कुछ टाइम के लिए, तो आप इसको एज अ बॉक्स में रैप करके डाल सकते हैं, वेयर हाउसेस के अंदर जा सकता है। इनफैक्ट जो आप डक बनाते हैं हम लोग, जिसके थ्रू हमारा घर गर्म होता है, फैक्ट्री गर्म ठंडी होती है एक्चुअली, उसके डक के अंदर भी आप इसको रैप करके डाल सकते हैं। जो वेयर हाउसेस होते हैं जिनको टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए होता है, इवन दो उसमें कूलिंग सिस्टम अलग लगता है, बट इसकी वजह से जो आपका हीट है वो कम होगा, तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इनकी फैक्ट्री है बेसिकली जयपुर में, आप जोधपुर आपको मिल जाएगा, दिल्ली में भी आपको ये मिल जाएगा, और इजी टू इंस्टॉल है। सेव, देखिए, एनर्जी सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टाइम। मुझे लग रहा है कि आज से 5-10 ईयर्स में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट काफ़ी हाई जाने वाला है, तो अगर आपको लग रहा है कि यार हम थोड़ा सा भी बिल बचा सके हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी चीप मटेरियल, मतलब 10 रुपये स्क्वायर फिट तो बहुत ही सस्ता मटेरियल है, मतलब
देयर इज नथिंग, और इसको लगाना भी बहुत आसान है, तो बहुत फास्ट लग जाएगा। मुझे लगता है अगर आपका एक रूम है 10x10 का, तो आपका आधे दिन में काम हो जाएगा, एंड इट विल नॉट कॉस्ट यू मच। तो गाइस ये था बबल शीट के बारे में, मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा वीडियो के अंदर, और इनफैक्ट इसका मैं वीडियो आपको मजा आता आएगा जब मैं इसका इंस्टॉलेशन होते हुए कोई वीडियो दिखाऊंगा। हम लोग शायद फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पे हम बहुत बड़े शेड के अंदर इसको नीचे लगाएंगे, और मैंने लिटरली इसको एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज मैंने फैक्ट्री विजिट करी है जहाँ पे लगा हुआ था, और दोनों मैंने रूम्स का डिफरेंस देखा था, लिटरली 4 से 6 डिग्री का फर्क आ जाता है। तो आप इसको डेफिनेटली लगाएं, मतलब फैक्ट्रीज के लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि घर के लिए तो हम फॉल्स सीलिंग लगा सकते हैं, बट अगर आप एक फैक्ट्री है जहाँ पे आपका बहुत बड़ा शेड है, वेयर हाउस है, उसके लिए एक बहुत अच्छा मटेरियल है। और इस उस ये लगाने के बाद अगर आपके पास शीट लगी हुई, उसके ऊपर आप कुछ वेदर शील्ड पेंट भी करवा सकते हैं, तो आपका काफी फर्क पड़ जाएगा टेम्परेचर के अंदर। तो गाइज ये था वीडियो बबल शीट के बारे में, मैं इससे रिलेटेड और भी नए वीडियोज फ्यूचर में बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।